हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है पुई साग का दाना। देखिए, ये पकने से लाल लाल ऐसा हो जाता है और ये हरी वाला ये कच्चा है, पकने के बाद इस तरीके का दिखते हैं। तो दोस्तों, अब चाहिए थोड़ा सा मटर, हरी मिर्ची दो, और ये इस पौधों में वो ये दाना उगता है, पुई साग की दाना। इसका नाम है पुई साग और इसी की दाना है। थोड़ा सा चाहिए हमें आलू, यानी एक आलू को बारीक कट लिया। दोस्तों, दो बड़े चम्मच तेल है, रिफाइंड तेल, ये गर्म हो चुका है। तो छौंक लगाएंगे थोड़ा सा जीरा, पूरी कढ़ाई में फैला देंगे और ये जाएगा पुई साग की दाना। ये ध्यान से करें दोस्तों, ये बहुत चटकता है, इसलिए हमने जल्दी से कवर कर दिया। दोस्तों, अब हम इसे चेक करेंगे। दोस्तों, अब डालेंगे मटर। दोस्तों, आधा चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने एक आलू काट के रखा वो डालेंगे। दोस्तों, थोड़ा हरी मिर्ची दिया, आपको तीखा खाना पसंद है तो आप डालिए। दोस्तों, अब डालेंगे हम आलू, जिसको काट के धो लिए पहले। अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, आलू डाला इसलिए 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दोस्तों, अब चेक करेंगे। अब 1 मिनट तक बिना ढक्कन का पकाएंगे। दोस्तों, ये आधा कटोरी गर्मा गर्म चावल है, ये अभी बनाया है, वही डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा नमक डालेंगे, कम लग रहा है। दोस्तों, अब डालेंगे थोड़ा सा हरी धनिया, इसको धो के कट लिए, अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, अब गैस को कर देंगे बंद, इसे करेंगे डिश आउट। दोस्तों, हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और दोस्तों, ये बहुत टेस्टी है, गरम गरम बनाइए और खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। हमारा बच्चों को ये बहुत पसंद है, वो अब खाने जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।